हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न सब्जेक्ट स्टैक चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की ये अपनी लास्ट मेथड है। अपनों ने ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज वाली मेथड सब देखी। मूविंग एवरेज में भी तीन टाइप के सम है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज और 5 ईयरली मूविंग एवरेज। आज अपन सीखेंगे फाइंड ट्रेंड बाय 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज 5 साल का टोटल लेना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ईयर और प्रॉफिट ईयर, ईयर 2017 टू 2015 और प्रॉफिट 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25, 23। अब सबसे पहले 5 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल करने का, 5 ईयर मूविंग टोटल और फिर कॉलम आएगा 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब 5 ईयर होगा तो पहले 2 कॉलम में और लास्ट 2 कॉलम में डैश कर देने का। फर्स्ट रो और लास्ट रो में डैश कर देने का, फर्स्ट टू रो और लास्ट 2 रो में डैश कंपलसरी कर देने का। और 5 ईयर का टोटल लेने का, 15, 14, 18, 20 और 17, 84। अब 84 माइनस 15 और प्लस 24, नाइन्टी थ्री माइनस 14 और प्लस 27, 106। फिर 106 माइनस 18 और प्लस 25, 113। और लास्ट 113 माइनस 20 और प्लस 23, 116। 5 ईयर मूविंग एवरेज में 5 ईयर का टोटल है तो डिवाइड बाय 5 कर देने का जो भी टोटल आया उसका। तो 84 डिवाइड बाय 5 16.8, 93 डिवाइड बाय 5 18.6, 106 डिवाइड बाय 5 21.2, 113 डिवाइड बाय 5 22.6 और लास्ट 116 डिवाइड बाय 5 23.2। ये 5 ईयर मूविंग एवरेज का सम कंप्लीट हो गया। पहले 5 ईयर का मूविंग टोटल करने का, फिर 5 ईयर की मूविंग एवरेज निकालनी। ये 5 ईयर का टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ओके, थैंक यू।